गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे अपनी बन रही है चाय और चाय में आ चुका है मस्त वाला उबाल और इधर सिक रही है ब्रेड। ब्रेड के अंदर ना हमने बटर नहीं घी लगाते हैं, घर वाला जो घी होता है ना गाय भैंसों वाला, तवे पे सेक रही थी यार। तवे पे सेक के थोड़े ना स्वाद आता है, ऐसे आता है। अब इतना भी मत जगा, कोयला मत बना दे इसको। ये भाई कोयला बना रही है, सेकने के लिए बोला तो कोयला बना दिया बिल्कुल। तो इधर बन चुकी है अपनी चाय और अब करते हैं सुबह का नाश्ता और फिर चलते हैं ऑफिस। लगा घी, लगा अच्छे से, लगा सही से, लगा। कंजूसी क्या कर रही है? अरे यार कंजूसी कहाँ कर रही हो? कर तो रही है ऐसे, झूठ मूठ का लगा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छे से चिपट उनको और जला मत देना, आपकी बार कोयला मत कर देना इसका। ऐसे भी कोई खाता है? मैं खाता हूँ ना, मुझे पसंद है। स्पेशल ही है हर काम स्पेशल। तो चलो नाश्ता करते हैं, अपनी ब्रेड रेडी हो चुकी है, चाय बन चुकी है। तो गाइज ऑफिस से हम आ चुके हैं और ऑफिस से आने के बाद अब चलते हैं कहीं घूमने के लिए। आज सैटरडे है तो कहीं घुमा के लाते हैं हिमानी को भी और इसको कुछ खिला के भी लाते हैं। टाइम तो ज़्यादा है नहीं, शाम हो चुकी है, शाम के 5 बज रहे हैं। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और कुछ खाने का ट्राई करते हैं, फूड ब्लॉगिंग भी हो जाएगी इस बार ने। तो चलो चलते हैं यहाँ से। क्या है? और ये देखो इस लड़की को, भाई कहाँ जा रही है इतना मेकअप करके? अरे मेकअप कहाँ है, आजकल फैशन वैसे ही चल रहा है, नॉर्मली में सभी लगाते हैं। अच्छा ये नॉर्मल है, सब लगाते? मैंने तो नहीं लगाया। तुम लड़की थोड़ी ना हो। अच्छा लड़की लगाती है? तो भाई मैंने इमानी को पहले, तुमने बिगड़वा दिया मेरा। मैंने इमानी को पहले ही बोल देता मैं ऑफिस से आऊंगा, तब तक रेडी रहना। और ये देखो घूमने की और खाने की तो इतनी पक्की है ना, समझ ही रहे होंगे आप देखने के बाद। तो चलो यार यहाँ से निकलते हैं। क्या खाओगी वैसे, कहाँ जाना है? जो भी अच्छा लगे। कहाँ जाना है वैसे? कहीं भी चलेंगे, खाने को तो और जगह ही मिलेगा, देहरादून है, मोमोज सबसे ज्यादा मिलते हैं। वाह ये सही कहा। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं बफेट पे, ये देख सकते हो आप, घंटाघर से सीधे हम बफेट पे आए हैं और यहाँ से लेते हैं कॉफी और बर्गर। तो गाइज ये आ चुके हैं अपने बर्गर और ये है कोल्ड कॉफ़ी। तो मैंने बताया कि अभी पीने के बाद, भाई इतनी भीड़ है ना यहाँ पे, इतनी भीड़ है ना आज से ज़्यादा। ये देखो घंटाघर से आप आओगे ना सीधे यहाँ पे, ये सामने है गांधी पार्क। तो गांधी पार्क के एकदम सामने है, अपोजिट साइड में, तो आप कभी भी आ सकते हो। यहीं पे ICICI बैंक है और ये इधर सीधे राजपुर। भाई इतनी भीड़ है ना, 15 मिनट से मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, भयंकर पसीने पसीने हो गए यहाँ पे ना। मेरा मन कर रहा था ना एक बार चलो चलते हैं यहाँ से, भाई नहीं लिया जाएगा, लेकिन चलो पेशेंस रख के आना भाई यहाँ पे ना, धैर्य के साथ। तो चलो अभी अपने बर्गर ख़त्म करते हैं। तो मैंने कैसा लगा बर्गर? बर्गर मस्त है। और कोल्ड कॉफ़ी? कोल्ड कॉफ़ी इतनी अच्छी है भाई, यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी कर दी है फेल हिमानी ने। वैसे भी टेस्टी नहीं, इतनी खास नहीं बन रही थी, जो पहले बनती थी ना उस लेवल की नहीं थी। हाँ बर्गर तो एक नंबर, आज भी क्वालिटी वही की हुई है, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी में कोई खास टेस्ट नहीं था आज, शायद अब ऐसा ही होगा। भीड़ भी इतनी ज़्यादा है ना भाई, कहाँ तक बनाएगा अकेला बंदा। तो चलो ये ख़त्म हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं गांधी पार्क में, वो सामने खाया और घूम के सीधे इधर आ गए गांधी पार्क में। चलो गांधी पार्क घूमते हैं थोड़ा सा। अच्छा सड़क कैसी लग रही है, जैसे तुम गद्दा हो? गद्दा हो सच में? सच्ची में? हाँ यार लगता है सही रही, देखते हैं। ओ भाई दब भी रही है हल्की हल्की, देख दबा के देख। खाने वाले तभी तो बोल रही हूँ आपको कि गद्दे से सी लग रही है। भाई इस पे पैर रखते हुए चल रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गद्दे पे, मतलब थोड़ा ऐसे चल रहे हैं, तो दबा के देख रहे हैं तो सच में दब रही है। और ये गांधी जी का स्टेचू, गांधी पार्क में गांधी जी का स्टेचू ना हो तो क्या हो फिर, बहुत बड़ा पार्क है यार ये। और ये ना सिटी के बीचों बीच है, घंटाघर यहीं से 200 मीटर दूरी पे है और परेड ग्राउंड भी पास में ही है। और ये पूरा गांधी पार्क है, ये देखो शाम के टाइम सब लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, सुबह मॉर्निंग वॉक, शाम को थोड़ा घूमना हो जाता है लोगों का। भाई रनिंग वालों के लिए ना ये ट्रैक मस्त है एकदम, ऐसा लग रहा है गद्दे पे चल रहे हैं जैसे इस पर। और इस पर ना लिखा हुआ भी है 100 मीटर 200 मीटर 50 मीटर, मतलब कितने आप दौड़ लिए या कितने का ये ट्रैक है, ये पूरा लिखा हुआ है इस पर। तो बढ़िया है और नीट और क्लीन है भाई, एकदम ज़बरदस्त। ये देखो भाई उधर कहाँ जा रही है, हैं?
क्या दिक्कत? दिक्कत तो कुछ नहीं, जा कहाँ रही है? हाँ भाई, इनको अपनी वीडियो की पड़ी रहती है बस, और कुछ नहीं। वो देखो वो आज पहुँच गई, तो चलो हम भी चलते हैं। बढ़िया है यार ये यहाँ पे ना घूमने के लिए, बेंच भी पड़ी है बैठने के लिए सभी लोगों के लिए ना, तो बैठ भी सकते हैं यहाँ पे। ये देखो ये तो खाली है, बाकी उधर लोग बैठे भी है बेंच पे। बीच वाला ट्रैक तो भाई ज़बरदस्त है एकदम, मज़ा आ गया मतलब देख के ना इसको। मेरा तो मन कर रहा है दौड़ लूँ, चल दौड़ के दिखाई माने। ये बोल रही मेरे से दौड़ना ही नहीं आता। ये बढ़िया है भाई, गांधी पार्क में बैठने का मस्त है, यहाँ पे बैठ जाओ आराम से, शांति है यहाँ पे, ज़्यादा इतना शोर शराबा नहीं है। ट्रैफिक की थोड़ी बहुत आवाज़ है वैसे, बढ़िया है, नीट और क्लीन है और ज़बरदस्त। यहाँ पे लोग एक्सरसाइज करने वगैरह भी आते हैं, साथ रनिंग करने, एक्सरसाइज करने सब लोग आते हैं शाम के टाइम ना, और बढ़िया मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठने में ना, अच्छा लग रहा है। ये तो अपना लगी पड़ी है फ़ोटो और रील देखने में अपनी, ये देखो बढ़िया है यार यहाँ पे ना, आ सकते हैं हम शाम को, क्यों ही मानी? मैं तो आ सकती, क्यों मैं नहीं आ सकता? अच्छा मेरा तुम्हारा तो लेट सेट काम है। सही बात, लेट आता हूँ मैं, थोड़ा लेट हो जाता हूँ, थोड़ा जल्दी आ गया ना, 5 बजे तक पहुँच गया था मैं घर पे। अभी देखो दिन भी छिप चुका है पूरा, सूरज भी छिप चुका है, अब ना दिन ऐसे हो गए हैं ना भाई, 5 मिनट के बाद ना अभी एकदम अंधेरा हो जाएगा, 10 मिनट में पूरा अंधेरा दिखाई देगा अभी देहरादून में। देहरादून में क्या सभी जगह का मौसम ऐसा हो गया, दिन अब छोटे होने लगे हैं, रात बड़ी होने लगी है। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, कहीं और जाते हैं। तो गाइस यहाँ से हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आप खा सकते हो चाउमीन, मोमोज और बन टिक्की, बढ़िया फास्ट फूड का ना बढ़िया कलेक्शन है यहाँ पे, बढ़िया वाली चीज़। तो भाई यहाँ पे खाने के ना बढ़िया वाले आइटम लगते हैं, स्ट्रीट फूड का ना बढ़िया वाला कलेक्शन रहता है यहाँ पे, गोभी के चाउमीन हो, मोमोज हो, चाहे तो बन टिक्की हो, बढ़िया वाला रहता है। ये कनक चौक और ये परेड ग्राउंड और ये गांधी पार्क। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो जी ये पहुँच गए हम तिब्बत मार्केट, ये है पूरी तिब्बत मार्केट यहाँ पे, ये देखो। चलो इसमें थोड़ा घूमते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ अगर पसंद आता है तो लेते हैं, नहीं तो फिर निकलते हैं। तिब्बत मार्केट भी घूम लिया भाई, कुछ नहीं मिला, सारे भाई गर्म कपड़े आ गए, टी शर्ट वगैरह सब खत्म हो गई, अब सीधे गर्म कपड़े, जैकेट वगैरह खरीदो, स्वेट शर्ट खरीदो, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे गर्मी के लिए, तो सर्दी आ भी गई है अब देहरादून में। तो गाइज अभी हम घूम के आ चुके हैं और अपने कमरे पे पहुँचे हैं अभी जस्ट। तो गाइज ये था आज का छोटा सा एक ब्लॉग हमारा, तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल में नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लेना प्रेस, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।